नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत के वन संसाधनों के बारे में पढ़ा था, उनका वितरण देखा था। इस वीडियो में हम भारत में जैव विविधता से संबंधित और वन्य जीवों से संबंधित कुछ विविध तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न भी बनाए हैं। तो शुरू करते हैं हम वन्य जीवों से संबंधित इन विभिन्न तथ्यों को। सबसे पहले अगर हम वन्य जीवों और जैव विविधता पर चर्चा करेंगे, तो एक शब्द है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, हम कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हम कहते हैं। तो इसका इस शब्द का मीनिंग है अ बायोजोग्राफिक रीजन विथ अ सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी, एक ऐसा बायोजोग्राफिक क्षेत्र जिसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता हो और मानव के क्रियाकलापों से उन जैव विविधता को खतरा हो, ऐसे क्षेत्रों को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। अब हम पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो पूरे विश्व का लगभग 2.4% भाग है धरातल का। इसका मतलब यह है कि लगभग भारत के क्षेत्रफल के बराबर का हिस्सा है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर हम पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट्स की विविधता है, प्लांट्स स्पीसीज की जो विविधता है, स्थानिक प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उसके हाफ लगभग मतलब आधे 50% इन्हीं 36 देशों में मिलते हैं। और अगर हम जैव विविधता बाकी चीजों की, जिसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियस जो उभयचर जीव हैं, उनकी जो स्थानिक प्रजातियां उनकी बात करेंगे, तो लगभग 43%, 43% जो बायोडायवर्सिटी इन सब चीजों से रिलेटेड वो इन्हीं 36 देशों में स्थित है। तो आप देखिए 36 देश कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप देखो दुनिया में ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो रीजन है, जहां पे जिन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, वो ये सारे क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं इनको एक एक करके, ये सारे क्षेत्र हैं, सबके नाम भी यहाँ पर मेंशनड है। इन सब के बारे में कभी हम डिटेल में और बात करेंगे, और अगर आप अभी देखना चाहते हो तो इस मैप को देख भी सकते हैं। अभी हम थोड़ा बात करेंगे भारत को सेंटर में रख के, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला जो रीजन है, ये भारत के जैव विविधता क्षेत्रों के अंदर आता है और हॉटस्पॉट बनाता है। तो हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं भारत के हॉटस्पॉट जो रीजन है उनके बारे में। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो भारत के बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो चार हैं टोटल, कुल मिला के फोर है। उसमें सबसे पहला हिमालय है, पूरा हिमालय रीजन। आप देखिए ये पूरा रीजन जहाँ हिमालय फैला हुआ है, और इसमें भारत ही नहीं, जो पाकिस्तान में है थोड़ा, तिब्बत के अंदर, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार, इन सब में जो हिमालयन रीजन है वो पूरा इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है। और पूरे क्षेत्र के अंदर भारी जैव विविधता पाई जाती है, कई तरह के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे इंडो ब्रह्मा क्षेत्र जो है, या इंडो बर्मा क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, ये जो इंडो ब्रह्मा क्षेत्र है या इंडो बर्मा क्षेत्र है, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो सारे इसमें सम्मिलित है, केवल असम को छोड़कर। असम इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो तो मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया। इस असम को छोड़कर बाकी ये पूरा जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, साउथ चाइना, ये सारे देश यहाँ पर है। इन सभी देशों को मिला करके हम कहते हैं इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ भी बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा आप देखिए कहते हैं सुंदरलैंड, ये पूरा रीजन सुंदरलैंड कहलाता है, जिसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस के कुछ द्वीप, ये सब सम्मिलित है इसमें। और यहाँ भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से ये भारत का तीसरा क्षेत्र है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। चौथा जो रीजन है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये पूरा वेस्टर्न घाट बहुत भारी जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, और साथ ही श्रीलंका भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह से चार ऐसे रीजन है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है और वो भारत के हिस्सा है, उसका पोर्शन है, और ये इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक जगह है केरल, केरल के अंदर एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो 1984 में बनाया गया था, और इसका कुल क्षेत्रफल 148 किलोमीटर ही है, वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इसको इकोलॉजिकल आइलैंड कहते हैं हम, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा पूरा जो वेस्टर्न घाट है वो सबसे बड़ा मतलब डायवर्सिटी सेंटर से भारत के अंदर अगर हम देखें तो, लेकिन ये जो साइलेंट वैली है कुछ ज्यादा ही फेमस है वर्ल्ड लेवल पर। अब क्यों, उसको हम थोड़ा सा और यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पूरा केरल, इधर तमिलनाडु, ये जो वेस्टर्न घाट है उसके अंदर, यहाँ देखिए ऊंची चोटी है, उस ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर पूरा जो हिस्सा है वो, और इस पूरे साइलेंट वैली के जोन को अगर हम देखें तो ये सम ऑफ द मोस्ट
प्रिस्टीन मतलब बहुत प्राचीन पेड़ पौधे यहाँ पर है, प्राचीन जीव यहाँ पाए जाते हैं, यूनिक है, मतलब दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिलते, यूनिक बिल्कुल, और हाईली प्रोडक्टिव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे यूनिक सबसे प्राचीन पेड़ पौधे और जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है साइलेंट वैली जो है बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें। और कई सारे ऐसे जीव और वनस्पति है यहाँ पर जो दुनिया में दूसरी कहीं जगह किसी और जगह पर है ही नहीं। अब आप देखिए 148 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है लेकिन 41 मैमल्स की स्तनपाई जो प्रजातियां हैं उनकी प्रजातियां 41, 211 बर्ड्स की प्रजातियां हैं, 49 रेप्टाइल्स जिसको हम सरीसृप कहते हैं उनकी प्रजातियां 47 हैं, 47 एम्फीबियंस मतलब उभयचर जीव जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, 12 फिशेस की प्रजातियां हैं, 164 बटरफ्लाईज और 400 मॉड्स यानी कि लगभग हम कहते हैं कीट उनकी प्रजातियां हैं। अब देखिए इतना छोटे से रीजन में कितनी सारी यहाँ पर जैव विविधता देखने को हमको मिलती है, इस वजह से ये क्षेत्र जो है वो बहुत प्रचलित है। एक यहाँ पर जीव पाया जाता है इसको हम लॉयन टेल मकैक कहते हैं, एक तरह का बंदर है ये जो विश्व में और किसी जगह पर नहीं है, ये यहीं पर मिलता है, बहुत चर्चित जीव है ये, तो एक है, ऐसे कई जीव हैं यहाँ पर जो दुनिया में दूसरी किसी जगह पर है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से ही वो खत्म हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक की। भारत के अंदर 1952 से 2 से 8 अक्टूबर के बीच में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, हम वन्य जीव संरक्षण सप्ताह भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिवस है 2 अक्टूबर, तब से ये शुरू किया जाता है, लगभग 8 दिन तक अगले मनाया जाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जीव जंतुओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनको उनके प्रति सहानुभूति तैयार करना या सकारात्मक माहौल बनाना हम कह सकते हैं, तो ये हर वर्ष मनाया जाता है इस तरह का भारत के अंदर। अब हम एक चीज की और बात करेंगे, रेड डेटा बुक, इसको हम रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज भी कहते हैं या IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है इस लिस्ट को। बेसिकली ये लिस्ट बनना शुरू हुई थी 1964 में से, 1964, और IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, तो ये जो एक संस्था है वो जारी करती है इस रेड लिस्ट को। अब इस रेड लिस्ट में क्या है, दुनिया से लुप्त प्राय जीव या लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने वाले बहुत खतरे में है, इनडेंजर्ड स्थिति में है, ऐसे जीवों की, ऐसे कुछ फंगस की, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनकी सूची बनाने का काम ये IUCN करता है, जिसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड का मतलब खतरे में पड़े हुए जीव जंतु भी हम कह सकते हैं, या प्लांट्स भी उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ऐसे ऐसी जीवों की और ऐसी वनस्पति की लिस्ट बनाता है जो दुनिया से लुप्त होने वाले या हो चुके। अब ऐसे में आप देखिए लगभग 1,34,400 प्रजातियों की लिस्ट इन्होंने बना ली है जो दुनिया से खत्म हो चुके हैं या होने वाले, और उसमें से भी आप देखिए 37,400 तो लगभग खत्म हो चुके हैं, 2021 के डेटा के हिसाब से हम बात करें, इतनी प्रजातियां तो खत्म हो चुकी, और लगभग 1,34,400 ऐसी हैं जो खत्म होने वाली है, और भी ये लिस्ट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है और बढ़ रही है। तो ये रेड डेटा बुक कहलाती है जो लिस्ट है वो IUCN की साइट पे जाके आप देख सकते हो सभी जीवों के बारे में डिटेल में, वहां आपको बताया हुआ है कि वो कहाँ है, कितने हैं, किस स्थिति में है, सब कुछ है वहां पे। तो आप IUCN की लिस्ट पे या रेड डेटा बुक डाल के साइट पे चेक कर सकते हो, और उसकी वेबसाइट यहाँ भी मैंने दी है, अगर आप देखना चाहो तो इस पर भी जाके देख सकते हो इसको। एक और शब्द है मानव और जीव मंडल योजना, या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इसको, शॉर्ट में MAB लिखते हैं हम। वैसे तो ये प्रोग्राम 1968 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो यूनेस्को है उसकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1970 में, तब उसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 1971 में शुरू हुआ था, इसीलिए इस कहा जाता है कि 1971 से ये MAB जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था, ऐसा मानते हैं। अब सवाल यह है कि MAB प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, लोगों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों को स्थापित किया जाता है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से स्थापित करने का जो काम है वो इस प्रोग्राम के तहत किया जाता है, और ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड चलता है। और वो कितना कितना ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है उसको अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का काम करते हैं, और इनका एक वर्ल्ड नेटवर्क बन गया, पूरे विश्व लेवल पर इन्होंने 714 बायोस्फीयर रिजर्व या साइट्स बना दिए, 714, और ये 129 देशों में फैला हुआ है, और उसमें से 21 तो ऐसी साइट्स हैं जो एक से ज्यादा देशों में फैली हुई है। तो आप देख सकते हो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स इन्होंने वर्ल्ड नेटवर्क के तहत बनाए हैं पूरे विश्व के अंदर, और उनका अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे एशिया और पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब ये प्रशांत के जो द्वीप हैं और ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके 24 देशों में 157 साइट्स हैं, और आश्चर्य की बात है इसमें से 12 तो अकेले भारत के अंदर है।
जिनकी बात मैं आगे करूंगा। फिर आप देखिए जो अरब कंट्रीज हैं उनके 12 देशों में 33 साइट्स हैं, अफ्रीका के 31 देशों में 85 साइट्स हैं, इसी तरह से ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों के 21 देशों में 130 साइट हैं, या जो यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है उसके 38 देशों में 302 साइट्स हैं। तो इस तरह से मिलाकर आप देखिए 714 साइट्स इन्होंने डेवलप की है पूरे विश्व के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, यानी कि नेचर कंजर्वेशन करने के लिए एक तरह से हम शॉर्ट में कहें तो। इन सारी साइट्स को आप देखना चाहो तो ये देखिए जहां जहां डॉट लगे हुए हैं वहां इनके सारे ये वर्ल्ड नेटवर्क पूरा है बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर 701 और 124 लिख रखा है लेकिन ये थोड़ा सा मैप पुराना है, लेटेस्ट है 714 और 129 देशों में ये फैले हुए हैं। तो ये मैप में आप देख सकते हो दुनिया में कहाँ कहाँ है, और भारत में भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, इन साइट्स का। अब भारत के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो टोटल 18 हैं, जो अब तक घोषित किए गए हैं वो 18 घोषित किए गए हैं। और ये कहानी की शुरुआत होती है 1986 में, जब नीलगिरी को सबसे पहला बायोस्फीयर का रिजर्व घोषित किया गया था, और ये कहानी पन्ना से खत्म होती है, मतलब अब तक जो लास्ट हुआ वो 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। तो हम इनको सबको देख लेते हैं, यहाँ आप देखोगे इनकी पूरी लिस्ट है और कब कब बने थे, ये ईयर भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप किसी भी का ईयर जानना चाहे तो यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं इनकी लोकेशन आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए ये भारत का मैप है और इसके अंदर अगर हम देखना शुरू करें तो सबसे पहला नीलगिरी 1986 में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर ये बना था, और बहुत ही महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट की तरह, मतलब ये एक तरह से है मतलब जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली इसके पास में ही स्थित है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर नंदा देवी, ये 1988 में, इसी तरह से हम क्रमशः ही चलेंगे आगे जिस तरह से हुआ। नोकरेक मेघालय के अंदर है, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ये पानी वाला हिस्सा है जहाँ पे मन्नार की खाड़ी में बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है जीवों की, तो वो पूरा खाड़ी वाला हिस्सा जो है उसको कंजर्व यहाँ पर किया गया है। ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार में है, सिमलीपाल ओडिशा में, मानस असम में, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और डिब्रू साइखोवा ये असम के अंदर है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, अगस्त्य मलाई केरल में, अचानक मार और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, कच्छ ये गुजरात के अंदर, कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, शेषाचलम ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और पन्ना मध्य प्रदेश, ये 2011 में इंक्लूड किया गया था। इस तरह से ये सारी भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स की साइट्स हैं। आप देखिए अक्सर इनके स्टेट जो है वो सवाल बनते हैं कि कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं भारत के अंदर, जितने भी साइट्स 18 साइट्स हैं टोटल अब तक जो घोषित किए गए हैं। इसमें से अगर हम सबसे छोटा देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो डिब्रू साइखोवा है जो सबसे छोटा माना जाता है, और इसी तरह से कच्छ जो है वो सबसे बड़ा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान में रखिएगा, वो ये कि ये 18 भारत के अंदर घोषित किए गए हैं, इनको दर्जा दिया गया, लेकिन जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसके अंदर अब तक केवल 12 ही इंक्लूड किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 12 जो हैं, जिसमें से एक एक करके मैं इनकी लोकेशन फिर दिखा देता हूँ आपको, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नंदा देवी है, सुंदरवन, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अंचकमारे, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा और पन्ना, इस तरह से आप ये देखेंगे तो ये सारे ऐसे हैं 12 जो वर्ल्ड नेटवर्क का भी हिस्सा है। दोनों अलग बात है, एक दर्जा दे देना किसी देश में वो एक अलग बात है, वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा होना एक अलग बात है। तो 12 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन टोटल 18 हैं, वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे, ये वो प्रोसेस ही शुरू हुआ है वो इस तरह से। तो ये देखिए वर्ल्ड नेटवर्क में जाने की कहानी शुरू होती है 2000 से, और 2000 में नीलगिरी को सबसे पहले वर्ल्ड नेटवर्क में लिया जाता है, और अभी लास्ट में 2020 में पन्ना को लिया गया था। तो इस तरह से वर्ल्ड नेटवर्क में ये 12 हैं साइट्स हैं भारत के अंदर, अकेले एक देश के अंदर इतनी साइट्स हैं। आगे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। ये 1972 में एक अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार ने, क्योंकि एमएबी प्रोग्राम 1971 में आ गया था, तो अब हर देश ने कुछ ना कुछ करना शुरू किया, तो भारत ने भी 1972 में ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया। और इसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जो वन्य जीव है उसकी पोचिंग यानी कि अवैध शिकार जो होता है, स्मगलिंग यानी कि जो तस्करी होती है, और इलीगल ट्रेड जो अवैधानिक व्यापार होता है, उसको कम रोके कम करें, ताकि वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इस मुख्य उद्देश्य के साथ इसको शुरू इस एक्ट को बनाया गया था। 1972 से लेकर अब तक 5-6 बार इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन 2003 का जो अमेंडमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर पनिशमेंट और पेनल्टी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, इसलिए 2003 का अमेंडमेंट इसमें एक रिमार्केबल अमेंडमेंट माना जाता है।
इसके साथ ही हमने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL बनाया है। ये भी एक संवैधानिक बोर्ड है जो कि 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बनाया गया है। इसका जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के करंट प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो वन्य जीव संसाधन जो मंत्री होते हैं वो उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। और इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए कई लोगों को मिलाकर एक बोर्ड बनाया गया है, और ये बोर्ड क्या वन्य जीव संरक्षण और पॉलिसीज बनाने के लिए सरकार को सुझाव देता रहता है समय समय पर। इसी के साथ हम लोगों ने वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी 2006 में बनाया गया है, ताकि वन्य जीवों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। एक और शब्द है मेगा डाइवर्स कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व के 17 देशों को मेगा डाइवर्स कंट्रीज घोषित किया गया है। मतलब ऐसे देश जिसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ऐसे 17 देश हैं, और ये सारे देश कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन के आसपास स्थित है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले हिस्से में स्थित है। और इन 17 देशों को आप देखना चाहो तो जैसे इधर से शुरू करें तो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, कांगो, इस तरह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, चाइना और ये इंडिया, ये देश हैं 17 जिसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और ट्रॉपिकल रीजन में है ये, कहीं कहीं कर्क रेखा और मकर रेखा और उसके आसपास वाले रीजन या इनके बीच में स्थित है, तो इस वजह से यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी, महाविविधता केंद्र भी हम कहते हैं। तो ऐसे 17 देश हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि इन 17 देशों में विश्व की 70% जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है, जबकि ये दुनिया के 10% हिस्से पर ही फैले हुए हैं सारे देश, और 70% जैव विविधता रखते हैं। तो ये देश कितने महत्वपूर्ण होंगे आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हो, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत भी इसमें से एक देश है ऐसा। अब आप देखिए हम भारत के कुछ जैवों के बारे में और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में यहाँ बात करेंगे। आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ वो 1970 के अंदर हुआ, प्रोजेक्ट हंगुल कहते हैं। ये एक कश्मीरी स्टैग है, कश्मीरी हिरण हम इसको कह सकते हैं, जिसे हंगुल कहते हैं। तो ये 1970 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और IUCN तथा वर्ल्ड वाइड फंड WWF जिसको हम कहते हैं, इन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था ये जो कश्मीरी हिरण है, अंगुल एक तरह का हिरण है, उसका कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना। तो क्या अभी 2019 में देखें तो इनकी संख्या 240 है। जब ये शुरू किया गया था 1970 के अंदर, तब ये 150 से 200 के बीच में रह गए थे, फिर 1980 तक आते आते 340 हो गए थे, फिर कम हो गए, लेकिन अब वापस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए एक जो नेशनल पार्क सबसे महत्वपूर्ण है वो दचीग्राम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उस नेशनल पार्क के अंदर इनकी संख्या सबसे ज्यादा, और वहीं पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो इसको प्रोजेक्ट हंगुल कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में, 1973 के अंदर अप्रैल को ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और तब से शुरू होकर आज अगर हम बात करें अप्रैल 2021 तक, भारत में 51 टाइगर प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जो अभी इस जीव के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। देखिए कितना शानदार जीव है ये, जिसके संरक्षण के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। अब इसकी कुछ संख्या और पॉपुलेशन पर हम बात कर ले, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय जीव भी है, नेशनल एनिमल भी इसको हम कहते हैं, बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पूरे विश्व के अंदर वर्तमान में अगर हम देखें तो 4,716 टाइगर है पूरे विश्व में, उनमें से 2,967 टाइगर भारत में है 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 70% टाइगर अकेले भारत के अंदर है। अब आप देखिए 2010 के अंदर भारत ने 12 देशों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि हम 2022 तक बाघों की संख्या को डबल कर लेंगे। तो आप यहां संख्या पर ध्यान दीजिए, 2006 में भारत में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 हो गए, 2014 में 2226 हो गए, 2018 में ये 2967 हो गए। तो आप देखिए भारत ने जो टारगेट हासिल करने का लक्ष्य रखा था 2010 में 17, 17 दूनी 34 होता है, यानी कि 3400 टाइगर, और 2018 तक ये लगभग 3000 हो चुके हैं। तो ऐसे में ये टारगेट हम हासिल कर लेंगे 2022 तक। तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है इस पूरे मसले के अंदर, और भारत 70% बाघों का घर है भारत विश्व के। दूसरे कुछ देशों में आप देखिए, रशिया में 433 है, इंडोनेशिया में 371 है, मलेशिया में 250 है, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, मर्म और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 14 बाघ है। तो आप ये देख सकते हो इन सब की तुलना में भारत के अंदर कितने बाघ है। भारत के अंदर 2018 के हिसाब से सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में थे 526, सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर ही रन करते हैं, इसीलिए इस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है। पहले वाले सबसे ज्यादा कर्नाटक में थे 524, अभी भी है, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पर है।
थर्ड सबसे बड़ा स्टेट है उत्तराखंड, 422 है, 42 है इसके अंदर, 442। इसके अलावा हम अगर देखें तो कुछ मेजर महाराष्ट्र में 312 है, इधर केरला में देखिए तमिलनाडु में 264 है, उत्तर प्रदेश के अंदर असम के अंदर भी 190 है। तो इस तरह से भारत के इन इन क्षेत्रों में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ बाघ ज्यादा पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। अब हम वर्ल्ड लेवल पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो आप देखिए ये वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो येलोइश कलर आपको नजर आ रहा है ये इसका नेचुरल हिस्टोरिकल प्लेस था जहां पर ये निवास करते थे, लेकिन अब केवल उन उन क्षेत्रों में बच गए जहां ये रेड स्पॉट आपको दिख रहा है। कितना एरिया कम हो गया अब आप देख लीजिए केवल इन्हीं में, जबकि ये पूरे हिस्से में पहले बाघ पाए जाते थे, अब केवल इन्हीं हिस्सों में वो बच गए हैं टोटल। और उसमें भी आप देखो भारत में सबसे ज्यादा है। अब भारत की ये 51 टाइगर रिजर्व है, ये 51 टाइगर रिजर्व की डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में आगे करूंगा, लेकिन अभी आप एक एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि भारत के किन किन क्षेत्रों में जो रेड रेड आपको स्पॉट दिख रहे हैं उन सब में बार टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 51 है टोटल ये। तो आप देख लीजिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है भारत के अंदर। बाघों की हम बात कर रहे हैं तो कैलाश सांकला की बात करना बहुत जरूरी हो जाता। ये भारत के पहले टाइगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे, और इसीलिए इनका जो जो रोल है भारत में बाघों के विकास वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उल्लेखनीय रोल हम कह सकते हैं, और इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे बेसिकली, और 1994 में इनकी डेथ हुई। इनकी कुछ किताबें बहुत चर्चित है, एक तो किताब टाइगर है जो 1974 में आई, टाइगर लैंड 1975, टाइगर द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर ये 1977 में आई, और रिटर्न ऑफ द टाइगर ये 1993 में आई। इस तरह से ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा लिखी गई है काफी चर्चा में भी रहती है। एक और व्यक्ति है जो काफी चर्चा में रहते हैं टाइगर संरक्षण के लिए, वो है फतेह सिंह राठौर। ये भी जोधपुर के रहने वाले, और इनको इंडियाज टाइगर मैन या टाइगर गुरु भी कहा जाता है। ये फील्ड डायरेक्टर थे रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, वहां भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान के अंदर, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन कर लिया था इन्होंने 1960 में, और तब से ये रिटायरमेंट तक इसी डिपार्टमेंट में रहे और बाघों के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, और मुख्यतः जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसको वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने का जो काम है वो इन्हीं को जाता है श्रेय, फतेह सिंह जी। 2011 में इनकी भी डेथ हुई। इन्होंने एक एनजीओ चलाया था 1990 में, इसका नाम था टाइगर वॉच, TW भी कहते हैं। भारत सरकार ने 1975 में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज 16 क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं भारत के अंदर, और 11 क्रोकोडाइल सेंचुरीज भी स्थापित कर दी गई हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये दो जीव हैं, एक को हम क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ जो इस तरह का दिखाई देता है, और एक को हम घड़ियाल कहते हैं। इसका मुंह थोड़ा पतला होता है, लंबा होता है और थोड़ा छोटा होता है मगरमच्छ की तुलना में, बाकी जीव एक तरह है और दोनों साथ ही कंजर्व किए जाते हैं। तो भारत के अंदर अभी 11 ऐसे सेंचुरीज हैं जहां पर ये मतलब इनको कंजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू किया गया था भारत के अंदर, और अभी देखो आप इन 36 प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के अंदर, जो ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क है भारत के, 36 प्रोजेक्ट एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें भी बहुत उम्दा काम भारत सरकार जो है वो कर रही है, और इसके कंजर्वेशन के लिए सन 2010 के अंदर इस हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया था। 2010 की बात है ये, इसके कंजर्वेशन के लिए ही ये किया गया है। अब आप देखिए दुनिया में हाथी कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरल जो उनका लिविंग है वो यहाँ पर है अफ्रीका के अंदर, और ये एशिया वाला जो हिस्सा है दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया हम कह सकते हैं, ये बस नेचुरली यही रहता है दुनिया में, बाकी कहीं नेचुरली हाथी नहीं पाया जाता। अब अफ्रीका में देखो ये पूरा इनका क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में जो डार्क स्पॉट है वहीं पर बचे हैं। भारत के अंदर भी देखो, एशिया के अंदर भी देखो, ये सारा रीजन था जहां हाथी रहते थे, लेकिन वर्तमान में जो डार्क स्पॉट है वहीं पर ये नजर आते हैं। अब अफ्रीका में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 4,15,000 हाथी लगभग होंगे, और एशिया में लगभग 40,000 से 50,000 के बीच में होंगे, और उसमें से 27,312 हाथी 2017 की जो काउंटिंग थी उसके हिसाब से केवल इंडिया में, एशिया के लिए। और 2012 में 29,576 थे, अभी कम हुए, देखो पिछले 5 सालों में भी हम देखें तो काफी कम हुए हाथी, और सबसे ज्यादा केरल में हाथी थे, और केरल में ही सबसे ज्यादा कम हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस हिसाब से अगर हम देखें तो। अभी आप देखो कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, आसाम में सेकंड, और केरला थर्ड नंबर पर फिसल गया, 5,706 हाथी है यहाँ पे। पर आपने अब मैंने अभी कहा कि केरल में सबसे ज्यादा कम हुए, वहां जो लोगों और हाथियों के बीच का संघर्ष है वो सबसे ज्यादा है,
मतलब ये दोनों आमने सामने है भाई। हाथी क्या फसलों को नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं, इस वजह से लोग इनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं वहां पे। आपने जनवरी 2020 के अंदर एक घटना सुनी होगी, एक इंसान ने पाइनएप्पल के अंदर बम रख के हाथी के मुंह में लगा दिया था, और उस विस्फोट से हाथी का पूरा मुंह फट गया था, और वो हाथी 8-10 दिन तक पानी में खड़ा रहा, फिर उसकी डेथ हो गई थी। काफी चर्चा हुई थी उस मसले की, मतलब एक तरह से हम कहें कि क्रूरता ही थी वो। तो इस तरह का जो संघर्ष है वो इसकी संख्या लगातार कम कर रहा है भारत के अंदर भी, लेकिन फिर भी भारत सरकार इसके इस जीव को बचाने के लिए प्रयासरत है कंटिन्यू। और बाकी स्टेट में आप इनकी संख्या देख सकते हो उस लिस्ट के अंदर 2017 के हिसाब से है। अब हम बात करेंगे राइनो प्रोजेक्ट की, जो कि 2005 से चल रहा है भारत के अंदर, और भारत में अभी देखिए 2900 राइनो है। ये पूरा ऐसा रीजन है जहां पर राइनो ऐतिहासिक दृष्टि से विचरण करते थे, रहते थे, लेकिन अब वर्तमान में कहां बच गए हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन पैच आपको दिख रहे हैं केवल वहीं पे। और भारत के अंदर यहाँ आप देख सकते हो ये काजीरंगा और मानस जो असम के अंदर नेशनल पार्क है उनमें ये ज्यादा, इस तरह से बुक्सा और जल्दापारा या वेस्ट बंगाल में ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो रीजन है जहां पर ये केवल बचे हैं, और ये जो आपको थोड़ा येलोइश जगह दिख रही है वो इनके संभावित क्षेत्र है जहां इनको स्थापित किया जा सकता है दोबारा से वापस, पोटेंशियल जोन भी हम इसको कह सकते हैं। तो केवल यहाँ बच गए हैं आप देखिए। एक्चुअली क्या है, 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 के अंदर एक विजन बनाया गया था, इंडियन राइनो विजन कहते हैं 2020। इसके अंदर ये घोषणा मतलब लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक हम 3000 राइनो की संख्या बढ़ा देंगे, तो 2900 पहुंच गई आप देखिए। तो इसमें भी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये जीव इस तरह का दिखता है, इसके मुंह पे एक सींग होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनोसोरस भी कहा जाता है। और ये एक सिंग वाला केवल भारतीय सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये देखिए इस तरह का एक सिंग होता है, और ये धारियां भी होती है इनके शरीर के ऊपर। वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखो तो एक ऐसा चाप काटा जा सकता है जहां पर ये निवास करते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, अफ्रीका में दो तरह के होते हैं, व्हाइट राइनो जो लगभग 20,000 है सबसे ज्यादा संख्या है, इस तरह के दिखाई देते हैं, और इनके दो सिंग होते हैं देखिए अफ्रीकन जो होते हैं उनमें, और थोड़े बड़े भी होते हैं। ब्लैक राइनो इस तरह का होता है, इसमें भी दो सिंग होते हैं, 5,200 बच गए हैं। ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर देखने को मिलता है, और ये जो 3500 के आसपास है लगभग, उसमें से 2900 तो अकेले भारत के अंदर है, बाकी ये बांग्लादेश वगैरह और पड़ोसी देश। ये इस तरह का दिखाई देता है देखिए, और ये कुछ सुमात्रा और जावा में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये इनकी इनकी हाइट और कम होती है और सिंग इनका और छोटा होता है, बहुत नहीं के बराबर होता है, छोटा सा ही होता है। इस तरह से ये राइनो का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL कहते हैं, ये 2009 में लॉन्च किया है भारत सरकार ने। इस पूरे रीजन के अंदर बर्फीले क्षेत्रों के अंदर ये रहता है, बिल्ली प्रजाति का ही एक जीव है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हम इसको कहते हैं। अभी इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, 400 से 500 ही बचे हैं। तो भारत का ये जो रीजन है लद्दाख वाला और जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो उत्तरी हिस्से हैं जो ज्यादा ऊंचे हैं बर्फीले क्षेत्र हैं उनमें ये अभी वर्तमान में विचरण कर रहा है, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लॉयन की, जो 2020 में लॉन्च किया गया है, एशियाटिक लॉयन। वैसे तो लॉयन जो है अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग है, एशियाटिक लॉयन हम कहते हैं, और भारत में सिर्फ एक ही जगह पर है वर्तमान में, गीर नेशनल पार्क नेचुरली अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर, और वर्तमान में इनकी संख्या 674 है, 6,474 हम कह सकते हैं। तो 674 जो टोटल है वो, और पिछली गणना से हम देखें तो 25% बढ़ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कभी बहुत कम हो गए थे, लेकिन इसको फिर धीरे धीरे सरकार ने बढ़ाया और अभी वर्तमान में इनकी अच्छी संख्या हो गई है गीर के अंदर। 1990 में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर भी इसको बसाने की कोशिश वहां जारी है, 1990 से ही जारी है, हालांकि बहुत सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी ये ठीक ठाक स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर भी संभावना पूरी है। साथ ही हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अगस्त 15 अगस्त 2020 को ये प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया, इसको रीलॉन्चिंग हम कह सकते हैं एक तरह से, और उसमें 6 नई साइट बताई है, ये कूनो पालपुर के अलावा 6 नई साइट बताई है, उसमें से 2 तो और मध्य प्रदेश में, जिसमें माधव नेशनल पार्क है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, 3 राजस्थान में जैसे सीता मेहता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के अंदर राजस्थान के 3, और एक है जैसोरे बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसका निकटवर्ती क्षेत्र जो गुजरात में ही। इस तरह से 6 और साइट आइडेंटिफाई की गई है जहां पर इन लॉयंस को वापस बसाया जाएगा या रीलोकेट इनको किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत सरकार जिस पर अभी काम कर रही है। अब आप देखिए नेचुरली लॉयन कहाँ पाया जाता है, जो रेडिश रेडिश कलर आपको नजर आ रहा है इस पूरे रीजन में नेचुरली लॉयन निवास करता है,
लेकिन वर्तमान में कहाँ बच गए, जहां ये आपको आसमानी पैच नजर आ रहे हैं इसी में, तो ज्यादातर तो ये अफ्रीका में ही बच गए। लेकिन आप देखिए इंडिया में यहाँ ये जो गिर वाला जगह है, ये छोटा सा स्पॉट है गिरनेस पार्क, यहाँ पर ये वर्तमान में है। और अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे तो ये थोड़े व्हाइटिश होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं साइज में, एशियाटिक लॉयन जो है, जबकि ये अफ्रीकन लॉयन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं और इनका कलर थोड़ा रेडिश ज्यादा होता है। इनकी संख्या लगभग 20,000 है अफ्रीका के अंदर वर्तमान में, जबकि ये 674 है, हमने अभी आपको बताई ये भारत के अंदर। डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ये भी अगस्त 15 में ही 2020 के अंदर मतलब लाया गया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी। आपको पता हो गंगा की जो डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा इसको दिया गया है। वैसे इसकी खोज 1801 में ही हुई थी और वर्तमान में ये 1200 से 1800 बच गए हैं। वैसे पानी के अंदर इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संख्या लगातार इनकी कम होती जा रही है, तो इनको बचाने के लिए भी भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए गंगा के सारे जो नदियां हैं, मूलतः गंगा में और उसकी सहायक नदियों में ये जो जीव है वो पाया जाता है, गंगा की डॉल्फिन कहते हैं इसको। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए कुछ सवाल हैं, आप इनका जवाब देंगे, मुझे मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? शांत घाटी क्यों प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? नौकरेक जैव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में बाघ परियोजना कब आरंभ हुई? रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय राइनो विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में वर्तमान में कुल कितने एशियाई शेर हैं? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए और फिर ट्राई करिए। आप इस वीडियो को मैं ही समाप्त कर रहे हैं, आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास जल और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।